एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ वक्त से पहले अपना पद छोड़ देंगी। बैंक ने शिखा शर्मा के का कार्यकाल घटाने को मंजूरी दे दी है। ये कल देर रात ही बोर्ड ने डिसीजन लिया है। अब शिखा शर्मा 31 दिसंबर 2018 तक ही बैंक की एमडी रहेंगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ गए हैं। हेमंत, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एक्सिस बैंक के लिए, बताइए ये कार्यकाल क्यों घटाया गया है? देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन बाजार को इसका आभास था कि ये घटने वाला है, क्योंकि जब आरबीआई के पास ये सौंपा गया था लेटर की इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाना चाहिए, तो आरबीआई ने उसके ऊपर देखिए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। और पिछले कुछ दिनों से जो आरबीआई कदम उठा रहा था, हाल ही में बुलियन के इंपोर्ट की लिस्ट में एक्सिस बैंक का नाम ही नहीं था, तो आरबीआई खुश नहीं था। आरबीआई से लेकर बाकी जो सरकारी विभाग है, देखिए जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वो भी इनसे दरअसल खुश नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसको अगर आप देखें, जो बैड लोन्स हैं, जो एनपीएस हैं, वो 3 साल में 300% बढ़े हैं इस बैंक के। इनाम वाली डील जो आपको याद है हुई थी, कि इन्होंने इनाम के जो प्रमोटर हैं वल्लभ बंसाली, उनसे जब उनका कारोबार खरीदा था स्टॉक्स देकर, उस समय भी वल्लभ बंसाली इस बैंक के बोर्ड पर आना चाहते थे, लेकिन आपको याद है आरबीआई ने तब भी इनसे इनकार कर दिया था। डीमोनेटाइजेशन के समय अगर किसी एक प्राइवेट बैंक पर सबसे ज्यादा आरोप लगे गड़बड़ी के, तो इसी बैंक पर लगे थे, और इसके ऊपर फाइन भी लगाया गया था। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से जो घटनाएं हो रही हैं, वो दरअसल इस बैंक के फेवर में नहीं हो रही है, और ये सब हुआ है शिखा शर्मा के टेन्योर के दौरान। और अब जब शिखा शर्मा के टेन्योर को बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड ने दिया, आरबीआई ने इसके ऊपर अड़ंगा लगा दिया और कहा कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। और इसीलिए देखिए, अब शिखा शर्मा ने को जब समझ में आया, तो उन्होंने ही बोर्ड को ये प्रस्ताव दिया कि मेरे टेन्योर को कम कर दिया जाए, और 31 दिसंबर तक का उन्होंने अब समय मांगा है। लेकिन आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये होगी जो बाजार देखना चाहता है कि नया सक्सेसर कौन होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन होता है, और ये नाम कितनी जल्दी बाजार को अब पता चलता है। क्योंकि इतना ही नहीं, कुछ और टॉप ऑफिशियल्स ने भी एक्सिस बैंक से इस्तीफा दिया है पिछले कुछ दिनों में, इन्हीं सब घटनाओं के चलते। तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि नया सक्सेसर कब आता है। इसके अलावा वो आने के बाद किस तरह की सफाई होती है, क्योंकि एक बात तो पक्की है, देखिए हर्षदा, जब इस कंपनी के नतीजे आते थे तब डाइवर्जेंस का जो फिगर है वो बहुत बड़ा निकल कर आता था। 2016 के फिगर्स देखिए, 2017 के फिगर्स देखिए, आरबीआई जिस तरह से कहता था इस बैंक को कि अपने एनपीएस को डिक्लेयर करें, डाइवर्जेंस के फिगर्स बड़े निकल कर आते थे, और ये भी आरबीआई को पसंद नहीं था। तो आरबीआई से साफ तौर पर तनातनी हो रही थी। और देखिए, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर आरबीआई है, जब रेगुलेटर खुश नहीं हो शिखा शर्मा से, तो फिर शिखा शर्मा को टेन्योर को अपना कम ही करना होगा। लेकिन देखना यही होगा कि सक्सेसर कब आता है और बोर्ड इसको किस तरह से अप्रूव करता है, कितनी जल्दी इसको अप्रूव करता है। कुछ दिनों पहले, पिछले साल के आसपास हर्षदा, आपको याद होगा, एक इन्होंने एजेंसी को भी नियुक्त किया था और ढूंढना चाहते थे कि कोई नया सीईओ, कोई नया टैलेंट, लेकिन उसके बाद शिखा शर्मा के टेन्योर को ही बढ़ा दिया गया। तो लेट्स सी वो एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था, जिसका नाम प्रस्ताव किया था। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, लेकिन लगता नहीं कि अब यहां से ज्यादा गिरेगा ये स्टॉक, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि नया जब कोई सीईओ आता है और उसका नाम सामने निकल कर आता है तो बाजार उत्साहित हो जाता है। और इन सीईओ के टर्म में कार्यकाल कामकाज अच्छा नहीं हुआ है, बैंक की जो बैलेंस शीट है वो कमजोरी हुई है। जी हेमंत, और इस पर दरअसल दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपना बयान रखना शुरू कर दिया है। सीएलएसए ने एक्सिस बैंक पर एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें सीएलएसए कहता है कि बैंक की स्थिरता और वैल्यूएशन के लिहाज से शिखा शर्मा के उत्तराधिकारी का चुनाव बेहद अहम रहेगा। अगर बैंक बाहर से उत्तराधिकारी तलाशना चाहता है तो दिग्गज निजी बैंक या फिर भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों के सीनियर जो मैनेजमेंट है वो एक बढ़िया विकल्प रह सकते हैं। सीएलएसए के मुताबिक टॉप मैनेजमेंट में बदलाव से मर्जर एंड एक्विजिशन की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी होती दिखाई दे सकती है। इसलिए सीएलएसए ये भी कहता है कि एनपीए को लेकर बैंक में ज्यादा जोखिम नहीं लग रहा है और मौजूदा वैल्यूएशन पर बैंक बेहतर ही लग रहा है। मक्वायरी ने भी यही कहा है कि यहां से ट्रांजिशन कैसा होता है
उस पर आप ध्यान देंगे, सक्सेसर उत्तराधिकारी कौन रहेगा उस पर अब बाजार की नजरें रहेंगी। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा जरूर, इसके साथ ही आप आईसीआईसीआई बैंक पर भी ध्यान देंगे। लेकिन हेमंत बताइए, दूसरी कौन सी कंपनियां हैं जो आज खबरों में रहेंगी? जो आपने अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट बताई बात, मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए बाजार में दबी जुबान से बात ये भी चल रही थी कि कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का मर्जर क्यों नहीं हो जाता, जिसे उदय कोटक अपनी हिस्सेदारी घटा लेंगे, एक्सिस बैंक का एक साफ तौर पर बड़ा बैंक भी मिल जाएगा। देखिए ये सारे रूमर्स चल रहे थे, तो शायद सीएलएसए इस रूमर का जिक्र कर रहा था अपनी रिपोर्ट में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए साफ तौर पर रडार पर रहने वाला है। और ये टॉप 5 में पहला स्टॉक आज हमने चुना है, क्योंकि देखिए यहां पर भी अटकलें तो हैं साफ तौर पर कि चंदा कोचर को भी अब छोड़ना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक, और लग ये रहा है कि अगले हफ्ते जो होने वाली बोर्ड बैठक है उसमें वो भी अब यहां से अपना टर्म को शॉर्ट करके निकलने के ऊपर विचार कर सकती है। और यहां पर भी देखिए दिक्कतें काफी सारी निकल कर आ रही हैं, लेकिन कल के सत्र में जो हुआ वो इंपॉर्टेंट है। कल मेरिल लिंच मार्केट सिंगापुर ने करीब करीब 0.5% शेयर खरीदे, और देखिए कल ये शेयर दिन के निचले स्तर पर खुला और डेज हाई के आसपास जाकर समाप्त हुआ, 280 रुपए पर यह ब्लॉक डील हुई है। तो कोई समझदार लोग इस ट्रांजिशन से पहले देखिए खरीद रहे हैं, और हम लगातार कह रहे हैं जब पुराना सीईओ निकल के जाता है और नया सीईओ आता है तो फिर शेयर में अब उतनी गिरावट नहीं देखने को मिलती, अनिश्चितता के समय गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा फिच ने ये कहा है कि जो रेपुटेशन रिस्क हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का, उससे वो लेकर बहुत चिंतित है। और जनरली हर्षदा आप जानती हैं कि रेटिंग एजेंसी सबसे आखिरी में कदम उठाती हैं, इसमें कोई नई बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब फिच ने डॉक्यूमेंट करके ये कह दिया है कि देखिए रेपुटेशन के ऊपर रिस्क तो है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। नजर रखिएगा फ्यूचर सप्लाई चेन पर, देखिए एफपीआई निवेश जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो निवेश है वो 24% से घटकर 49% हो गया है, तो ज्यादा हेडरूम होगा अब एफआईएस के पास शेयर में निवेश करने के लिए। नजर रखिएगा विप्रो पर, हाल ही में एयरसेल के साथ जो मामला हुआ एनसीएलटी में एयरसेल पहुंचा और एयरसेल दरअसल इनका क्लाइंट है विप्रो का, तो फिर जाहिर सी बात है अब जो पैसा इनको पहले मिलने की एक्सपेक्टेशंस थी अब वो नहीं मिलेगा, तो आप इसे प्रॉफिट वार्निंग कह सकते हैं। और जनरली देखिए चौथी तिमाही जो होती है वो आईटी कंपनियों के लिए कमजोर मानी जाती है, और ये नतीजों से पहले ये डिस्क्लोजर सामने आता हुआ कि चौथी तिमाही में इनको इतनी ज्यादा जो आय की एक्सपेक्टेशन थी वो अब होने नहीं वाली। नजर रखिएगा एचडीएफसी पर, और इन्होंने होम लोन पर जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ा दिया है, और एक एक करके देखिए सारे बैंक्स और सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ा रही हैं। उसमें एचडीएफसी का नाम भी अब आ गया है। स्पाइसजेट पर भी रखिएगा नजर, इन्होंने भी कह दिया है कि ये अब एयर इंडिया में इच्छुक नहीं है और कोई भी विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इसके लिए बोली नहीं लगाने वाले। तो कुछ दिनों पहले इंडिगो की तरफ से बयान आया था कि वो इसको टर्न अराउंड नहीं कर पाएंगे, और अब ये प्राइवेट कंपनी दूसरी स्पाइस जेट भी यही कहती हुई, तो अब बचाए जेट, जेट का बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिर। चले तो एविएशन कंपनियां उस लिहाज से फोकस में जरूर रहेंगी। शुक्रिया हेमंत इस हेड्स अप के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा जहां पर आज खबरों का भरपूर एक्शन बनता दिखाई जरूर देगा, लेकिन निजी बैंक सबसे पहले आपके रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको फटाफट बता दूं आज दूसरी कौन सी इवेंट्स है जिस पर आपने ध्यान देना है। आज आप एमआरपीएल की बोर्ड बैठक में जो डेवलपमेंट आता है उस पर नजर रखेंगे, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाकर 25% करने का फैसला यहां पर लिया जा सकता है। साथ ही इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की 2 दिन की बैठक भी आज से शुरू हो रही है, लेकिन विदेशी इवेंट्स में शी जिनपिंग का बयान का इंतजार रहेगा जो बाओ समिट में इस समय बोल रहे हैं। तो ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिका के साथ इनकी जो अब तक की रिलेशनशिप है उसको लेकर क्या डेवलपमेंट्स आती हैं उस पर ध्यान देंगे। याद रखिए बीते हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि शी जिनपिंग और वो गहरे दोस्त हैं, और इन सैंक्शंस के चलते इनके कारोबार या फिर दोनों देशों के बीच की के रिश्ते बिगड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। बहरहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फोकस में रहेंगे कुछ और स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेजेस की राय निकल कर आ गई है। सोनम मेहता इसका पूरा अपडेट देंगी और आज के कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी बात होगी रविशंकर पांडे से ब्रेक के ठीक बाद।